हेलो ऑल एंड वेलकम टू द कॉम्पिटेटिव क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, JKSSB अकाउंट्स असिस्टेंट के कोर्स में हम हमारी जनरल नॉलेज को डिस्कस कर रहे थे विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK, जिसको हमने स्टार्ट किया था विद हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उस पोर्शन की हम एक पार्ट पढ़ चुके हैं जिसमें है कि हिस्ट्री ऑफ जम्मू को हमने डोगरा रूलर्स के स्टार्ट तक पढ़ा, बट हमने आगे डोगरा रूलर्स को भी डिस्कस नहीं किया बिकॉज वो हम JNK की फाउंडेशन पढ़ने के बाद बाकी के रूलर्स को डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ कश्मीर कल फर्स्ट लेक्चर। तो सबसे पहले कश्मीर की हिस्ट्री को हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। जो कश्मीर की हिस्ट्री है वो इन कंपैरिजन टू जम्मूज हिस्ट्री बहुत वास्ट है और बहुत लेंदी है, और फ्रैंकली जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको आते हैं आपके एग्जाम में वो फ्रॉम हिस्ट्री ऑफ कश्मीर ही आते हैं। ओके, तो आपको ज्यादा फोकस कश्मीर की हिस्ट्री पर रखते हुए जम्मू की हिस्ट्री को इग्नोर नहीं करना है, चाहे वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से हो या आपने अपने खुद के लिए, खुद की नॉलेज के लिए पढ़ा हो। तो एंशिएंट हिस्ट्री में हम इसको डिवाइड करते हैं तीन एम्पायर्स में जो मोस्टली यहाँ पे फ्लरिश हुए। हम सारे एम्पायर्स के बारे में पूरा पूरा नहीं पढ़ेंगे, हम बेसिकली इनके बारे में पढ़ेंगे कि इनका फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे और जो प्रोमिनेंट लीडर्स बन के निकले हर एक एम्पायर के, हम उनको ही पढ़ेंगे। तो एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहले आती है मौर्यन एम्पायर, देन कुशान एम्पायर एंड देन द करकोटा एम्पायर। अब जो कश्मीर की हिस्ट्री है, हमारे सोर्स कहाँ से मिलते हैं? तो जो एक ऑथेंटिक हिस्टोरिकल सोर्स मिलता है हमें, वो मिलता है राज तरंगिनी से। बुक है राज तरंगिनी, जो कि लिखी गई थी किसके द्वारा? जो कि लिखी गई थी कलहान के द्वारा। कलहाना एक उर्दू पोएट, कश्मीरी पोएट और ऑथर थे, जो 12th सेंचुरी लेटर ऑन, जहां से हम हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर रहे हैं उससे पहले हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं अराउंड 250 BC के अराउंड। तो ये कलहान जो थे ये 12th सेंचुरी में आए थे, लोहार डायनेस्टी के किंग हरसा की कोर्ट में थे ये। तो इन्होंने कश्मीर की हिस्ट्री को स्टडी किया और उसके एक बायोग्राफर थे ये, और इन्होंने राज तरंगिनी लिखी है जो हमें बताती है अबाउट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। तो ये जो राज तरंगिनी है इसको एक हम सोर्स, हिस्टोरिकल सोर्स मान सकते हैं हमारे कश्मीर की हिस्ट्री का। तो ये जो है ये लिखी गई थी 1148 एंड 1149 के बीच में। कौन सी लैंग्वेज में? संस्कृत लैंग्वेज में जो है ये बुक जो है वो लिखी गई थी। तो कलहान से जो हमें स्टोरी पता चलती है हिस्ट्री की, हम उसी को अपना एक सोर्स मानकर चलते हैं अपनी हिस्ट्री को पढ़ने के लिए। अब इस बुक में क्या लिखा गया है? इस बुक में लिखा गया है कि एंशिएंट पीरियड में स्टार्टिंग में एक यहाँ पे एक डीमन रहा करता था, एक राक्षस रहा करता था जलोद बोवा के नाम का। उसने यहाँ के लोगों को बहुत परेशान कर रखा था, यहाँ पे बिल्कुल भी पीस नहीं रहने देता था। फिर एक ग्रेट सेंट आते हैं, सेंट कश्यप। ओके, ये जो आते हैं ये बचाते हैं सब लोगों को। ये क्या करते हैं? ही वॉज एबल टू कट द माउंटेन विच ब्लॉक द वॉटर ऑफ द लेक फ्रॉम फ्लोइंग द प्लेन्स बिलो। जो पानी को बहने से रोक रहे थे, जो माउंटेन था ये उसको काटते हैं और वहां का जो पानी है वो प्लेन्स में फ्लो कर जाता है, जो लेक है वो खाली हो जाती है और लैंड पेयर करती है। तो और जो डीमन था उसको भी ये मार देते हैं। तो यहाँ पे लोगों को बसने में ये बहुत हेल्प करते हैं जो सेंट कश्यप थे, और यहाँ पे बसाते हैं लोगों को। ओके, उसके बाद ये जो है ये दुनिया, ये इंडिया भर के सारे जो सेंट्स वगैरह थे उन सबको यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे रहने के लिए मतलब फोर्स नहीं करते उनको रहने के लिए, वो करते हैं इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हम मानना जाता है कि जो सबसे पहला रिलीजन था हमारे कश्मीर में जो इमर्ज हुआ, वो रिलीजन कौन सा था? हिंदुइज्म। तो आपसे अगर कोई पूछे कि सबसे पहला रिलीजन कश्मीर में कौन सा इमर्ज हुआ था, तो इट वॉज हिंदुइज्म। हिंदुइज्म के बाद यहाँ पे आता है, फिर उसके बाद यहाँ पे एम्पायर कौन सा सेटल होता है? मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर के जो अशोक हैं, अशोका, द ग्रेट किंग अशोका, माना जाता है कि इन्होंने कश्मीर को रूल किया। और कलहान ये मेंशन करता है कि ये, और ये वाइडली नोन है कि अशोका जो थे वो बुद्धिज्म के बहुत बड़े फॉलोअर बन चुके थे। वॉर के बाद इन्होंने जगह जगह जा जाकर बुद्धिज्म को फैलाया है, बहुत सारा काम किया है बुद्धिज्म को स्प्रेड करने में। तो अशोका ने ही श्रीनगर की सिटी को फॉर्म किया, और क्या, इस सिटी को फाउंड किया, और यहाँ पे बहुत सारे विहार्स और टेम्पल्स बनाए, और जो पुराने श्राइन थे उनको भी इन्होंने रिपेयर किया। तो हिंदुइज्म के बाद यहाँ पे कौन सा
रिलीजन जन्म लेता है तो वो है बुद्धिज्म। उन्होंने यहाँ पे जो शिव पूजा करने वाले लोगों की जो तादाद थी वो बहुत ज्यादा थी, उनको खुश करने के लिए उन्होंने यहाँ पे शिव टेम्पल भी बनाया। यहाँ पे बहुत सारे बुद्धिस्ट स्कॉलर्स, मिशनरीज एंड इंटेलेक्चुअल्स को वैली में सेटल किया और सबसे इन्फ्लुएंस होके काफी लोगों ने बुद्धिज्म को अपना रिलीजन भी बनाया। ओके, मौर्यन एम्पायर के बारे में हमने ये पढ़ा है। उसके बाद आता है यहाँ पे कुषाण एम्पायर। कुषाण एम्पायर में सबसे जो प्रोमिनेंट लीडर था इनका वो था कनिष्क। हम सारे के सारे इसमें राजे नहीं पढ़ेंगे, जैसे हमने जम्मू की हिस्ट्री में पढ़ा था जो कि प्रोमिनेंट लीडर्स रहे यहाँ पे या जो फाउंडिंग मेंबर्स रहे अपने एम्पायर्स के, हम सिर्फ और सिर्फ उनके बारे में पढ़ेंगे बिकॉज ऐसे कश्मीर की हिस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा वास्ट है और हमें इसे कम्प्लीट भी करना है। तो यहाँ का जो प्रोमिनेंट लीडर रहा वो कनिष्क रहा। तो वो कुषाण एम्पायर का एक प्रोमिनेंट लीडर था जिसने कश्मीर को कॉन्कर किया और यहाँ पे न्यू सिटी बनाई कनिष्कापुर। कनिष्कापुर यहाँ पे सेटल की। उसके बाद मौर्य, आफ्टर द मौर्यस कश्मीर वॉज ऑक्यूपाइड बाई कुशांस, ऐसा कल्हान जो है वो अपनी राज तरंगिनी में लिखते हैं कि मौर्यंस के बाद जो एम्पायर यहाँ पे आया वो कुषाण एम्पायर आया। कुषाण एम्पायर के तीन राजाओं का जिक्र किया जाता है इस राज तरंगिनी में जिनका नाम है हस्का, जुस्का एंड कनिष्का। इन तीनों ने अपने अपने नाम पर एक एक टाउन फाउंड किया, हस्कापुर, जुस्कापुर एंड कनिष्कापुर। और इन्होंने भी यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स और विहार जो थे वो एस्टेब्लिश करवाए थे। ओके, उसके बाद आते हैं हम करकोटा डायनेस्टी पे। करकोटा डायनेस्टी जो है वो फाउंड की गई थी किसके द्वारा? दुर्लभ वर्धान के द्वारा। दुर्लभ वर्धान के द्वारा ये इनके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। आपको फाउंडिंग मेंबर्स याद रखने हैं। माना जाता है कि जो ग्रेट किंग था वहां का वो कौन था? ललित आदित्य। इसने बहुत सारी कंट्रीज एशिया में ऑक्यूपाई की, सॉरी कॉन्कर की, इंडिया में भी, पंजाब को, कनौज, तिब्बत, लद्दाख। तो आप देख सकते हैं उन्होंने नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ हर जगह जो है वो कुछ ना कुछ कॉन्कर किया है। ईरान तक ये गए हैं, बिहार, गौड़ा, कलिंगा, साउथ इंडिया तक गए हैं, गुजरात, मालवा, मारवाड़ एंड सिंध। देवर ऑल कॉन्कर्ड बाय हिम। ओके, किसके द्वारा? ललित आदित्य के द्वारा। फिर ललित आदित्य ने क्या किया? उन्होंने खीर भवानी टेम्पल जो है, आजकल आपको पता होगा, आप सबने विजिट भी किया होगा मोस्टली ने, तो खीर भवानी के पास उन्होंने अपनी कैपिटल बिल्ड की और उसका नाम क्या रहा? परिहासपुर। परिहासपुर के बारे में आपको पूछा जा सकता है पेपर में कि इसको किसने एस्टैब्लिश करवाया? परिहासपुर को एस्टैब्लिश करवाया ललित आदित्य ने। और ये कोई 855 टू 856 एडी की बात है जब करकोटा रूल जो है वो कश्मीर में एंड हो गया और यहाँ पे एक नई डायनेस्टी पावर अज्यूम करती है जिसका नाम था उत्पला डायनेस्टी। उत्पला डायनेस्टी। तो यहाँ पे हमारी एंशियंट हिस्ट्री जो कश्मीर की है वो खत्म होती है और मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट होती है। जो मौर्यन एम्पायर था वो करीबन 250 बीसी में यहाँ पे आया और उसके बाद करकोटा डायनेस्टी, उसके बाद कुषाण डायनेस्टी सॉरी, और फिर उसके बाद करकोटा डायनेस्टी जो है वो यहाँ पे रूल करने में सक्सेसफुल हुई। उसके बाद आती है उत्पला डायनेस्टी। अब हमारे मिडिवल पीरियड में जो है वो 8 डायनेस्टीज आती हैं कश्मीर में जिनके बारे में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। वी विल ट्राई टू कीप आवर लेक्चर्स शॉर्ट एंड शार्प ताकि आप सबको जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो आप ग्रास्प कर पाओ। उसके बाद अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड डू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको कोई भी अपडेट जो है वो मिस ना हो। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।